बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बिहार के हाजीपुर में निगरानी अधिवेशन वीरों की बड़ी कार्रवाई। बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हाजीपुर के बिजली ऑफिस में बिजली विभाग के क्लर्क के रूप में तैनात था अजय कुमार। हाजीपुर के रेलवे कॉलोनी के समीप चाय की दुकान पर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। मामला हाजीपुर के जिला बिजली ऑफिस की है, जहां बिजली ऑफिस के क्लर्क जय कुमार के ऊपर रिश्वत लेने का मामला कई महीनों से चल रहा था। शिकायत मिलने के बाद निगरानी अधिवेशन ब्यूरो में मामला को संज्ञान में लिया गया और कार्रवाई करते हुए निगरानी की टीम छापेमारी दल के साथ हाजीपुर पहुंची और रिश्वतखोर बिजली विभाग के अधिकारी के बताए ठिकानों पर पहुंची, जहां बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा 30,000 रिश्वत के रूप में मांगा गया और देते समय ही निगरानी की टीम ने धर दबोचा है। बिजली विभाग के रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार करने समय अधिकारी और निगरानी की टीम के बीच धक्का मुक्की और तू तू मैंने हुआ, जिसके बाद सभी निगरानी की टीम ने मिलकर चाय की दुकान से गिरफ्तार कर अपने साथ जिला के सर्किट हाउस में लेकर पहुंची है और जय कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जय कुमार जी है, मेरा नाम ज्योति शंकर है, मैं पुलिस उपाधीक्षक हूँ निगरानी अधिवेशन ब्यूरो बिहार पटना। लोगों को सूचना मिली थी, उसका सत्यापन किया था कि श्री जय कुमार है, करीय सहायक मंडल हाजीपुर में, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल हाजीपुर। उन्होंने पैसे की डिमांड करी थी, जो अभिनिर्धारण होता है, रीअसेसमेंट होता है उसके लिए, और उनको आज सुबह करीब 9 बजे वहीं मंदिर के सामने से ऑफिस के बगल में रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 3 हज़ार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है और अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। आज शाम में फिर से विज्ञप्ति जो है वो रिलीज की जाएगी, तो आप सबको कंप्लेन क्या रहा सर? कंप्लेन था अभिनिर्धारण के लिए उन्होंने पैसे की डिमांड की। कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेनेंट हैं आपके कंप्लेनेंट हैं अमित ठाकुर, यही कहें। हाँ ये आगे कार्रवाई का क्या होगी? आगे अब उनको कल माननीय न्यायालय में स्थापित किया जाएगा, उसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश से जो भी गिरफ्तारी के समय झड़प वगैरह हुआ है? नहीं नहीं, कितना पैसा? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये लेते हुए पकड़े गए। उनके ऊपर भी कोई शामिल है? इनके ऊपर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, अनुसंधान के क्रम में जो बातें प्रकाश में आएंगी वो धीरे धीरे अनुसंधान के क्रम में आएंगे। सर आवेदन में है क्या कि किस वजह से ये मांग रहे थे पैसा, क्या इनको करना था पैसा लेकर? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत कुछ एक जो सेक्शंस हैं वो कंपाउंडिंग नेचर के होते हैं, मुझे एग्जैक्ट उसकी हिंदी नहीं पता, लेकिन कंपाउंडिंग नेचर के होते हैं। दैट मीन्स दोनों पार्टीज़, इवन दो जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी उसको रीअसेस कराया जाता है, क्योंकि जो इनिशियल FIR में होता है उसका रीअसेसमेंट होता है, तो रीअसेसमेंट के टाइम में पेनल्टीज़ या फिर कितनी विद्युत चोरी की गई उसके बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाता है। तो उसमें संभावना थी कि कुछ ऊपर नीचे जो भी मतलब जो उनका एग्जैक्ट फिगर आया हुआ था उससे कम भी हो सकता है, कभी कभी अभी निर्धारण में ज़्यादा होता है, तो उसी मामले में इन्होंने पैसे की डिमांड की। टोटल 30,000 डिमांड किया? टोटल 30,000 के इन्होंने डिमांड किया हुआ था,